वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वर्मा है। आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट हेयर के लिए शोल्डर लेंथ जो हेयर होते हैं उनके लिए ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल, फ्रंट हेयर स्टाइल है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो बनने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो। सेकेंड चैनल पर लिप्स ब्लैक होठों के लिए, काले होठों के लिए लिपस्टिक कैसे अप्लाई करते हैं, काले होठों पे लाइट कलर की लिपस्टिक कैसे अप्लाई करेंगे उसकी वीडियो जा चुकी है। तो प्लीज़ गो टू माय सेकंड चैनल प्रीत तिवारी 2 और प्लीज़ मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियोज़ वहाँ देखिए, हेयर स्टाइल की वीडियोज़ यहाँ पे देखिए, अमेजिंग हेयर स्टाइल की वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें ना करते। इंस्टाग्राम पर प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इतने छोटे हेयर्स के लिए फ्रंट हेयर स्टाइल बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, फिर इसको बनाइएगा। ओके, देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन आप बनाते हो तो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है। तो आप क्या मिस्टेक करते हो कि नहीं बन पाता? आप ईयर लेंथ हेयर स्टाइल पर भी ये बना सकते हो, बट फ्रंट से बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होने चाहिए। जैसे ईयर लेंथ ही पूरे हेयर होंगे आपके तो ईजिली बना लोगे आप हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से पतली पतली लेयर्स लेनी है बालों की, और कैसे इसको बनाना है ये ध्यान से देख लीजिए। मैं यहाँ पे क्लिप्स वगैरह निकाल के रख रही हूँ ताकि हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको फिंगर लगाना है ऐसे, देन इसके ऊपर लपेटना है और ऐसे पीछे को ले जाना है, तो ईजिली आपकी ट्विस्टिंग जो है वो बन जाएगी। देखिए कितने अच्छे से बन गई हमारी ट्विस्टिंग यहाँ पर। और पूरे बाल में अगर बहुत छोटे बाल हैं, शोल्डर तक रखते हो या फिर ईयर लेंथ रखते हो, तो आप इस तरीके का ये हेयर स्टाइल करके बाहर निकलोगे तो बहुत काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। या फिर पार्टी फंक्शन है तो भी आप ये हेयर स्टाइल छोटे बालों में ट्राई कर सकते हो। ये तो मैंने लंबे पे बताया है, छोटे पे बनाओगे तो और जल्दी से इजी से बन जाएगा, क्योंकि लंबे बालों में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इस तरीके से आपको लेना है, देन इस तरीके से ट्विस्ट करना है और बैक साइड में ले जाके, अगर आपको फ्रंट से लगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्विस्टिंग नहीं हुई तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से हेयर को खींच दोगे और बहुत ईजिली बन जाएगा। इस तरीके से आप बनाओगे तो जो हमारे स्कैल्प की लाइन दिखती है, मांग दिखती है, स्कैल्प दिखता है, वो नहीं दिखेगा और ट्विस्टिंग भी काफ़ी अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से आपको खींचना है, अच्छे से कॉम करना है। छोटा रहता तो हमको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होता, बाल छोटे रहते तो, बट थोड़े मैंने लंबे बालों को बताया, बट आप छोटे बनाओगे बहुत इजीली बना लोगे। ओके, तो इस तरीके से हाँ, क्लिप्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी इसमें, बॉबी क्लिप, अच्छे से कॉम करके फिंगर को ऐसे लगाना है और बैक साइड में इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है और बस थोड़ा थोड़ा खींच लोगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पर ट्विस्टिंग बन चुका है। लंबे बालों में भी बना सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरीके से करके, बट छोटे बालों पे बहुत प्यारा लगेगा ये। लंबे बालों पे भी बना के ऊपर से हाई बन बना लोगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और या फिर एक और तरीका बता दूंगी लंबे बालों के लिए। अब इस साइड का तो हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरी साइड कैसे करना है वो देख लीजिए। दूसरी साइड के लिए भी इस तरीके से हम लोग हेयर लेंगे और ऐसे फिंगर को लगाएंगे, फिंगर के नीचे से सारे हेयर को लेके जाएंगे एंड ऊपर से इसको ट्विस्ट कर देंगे और यूपिन की बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। अगेन जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको इसी तरीके से बनाना है। और इस तरीके से बनाने से आपकी सबसे अच्छी बात की ट्विस्टिंग बहुत प्यारी लगती है एंड जो आपका मांग है स्कैल्प नहीं दिखता इस हेयर में, इस हेयर स्टाइल में। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा। लंबे बालों में क्या करोगे आप वो भी बताने वाली हूँ। ओके, तो ये तो फ्रंट का बन गया, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारा कंप्लीट हो गया, बट हमारी क्लिप्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे। तो क्लिप्स को हाइड करने के लिए क्या करोगे, साइड से थोड़ा सा एक लेयर निकालोगे बालों का, ये लंबे बालों के लिए। छोटे बालों पर क्या करना है वही बताऊँगी अभी। इस तरीके से इस तरीके से चोटी बनानी है, उसको साइड से इस तरीके से खींच लेना है। पूरा खींचने के बाद से इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, खींचेंगे इसलिए ताकि हमारी जो क्लिप्स है वो अच्छे से हाइड हो जाए और दिखे नहीं कहीं से भी। अब ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे हेयर बैंड का लुक देते हुए, दूसरी साइड में ये देखिए इस तरीके से सारी क्लिप्स को हाइड करते हुए ऊपर की तरफ से ले जाएंगे और दूसरी साइड में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो चोटी है वो थोड़ी सी खुल गई है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको अगेन इस तरीके से गूँथ लेंगे एंड तक और थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेंगे दोनों साइड से
अब हेयर को इस तरीके से हटाएंगे और यहाँ पे दो क्लिप की मदद से, बॉबी क्लिप ले लो, टिकटक क्लिप जो भी है आपके पास उस तरीके से लेके और इसको क्लिप को हाइड कर दीजिएगा। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है। छोटे बालों को भी काफ़ी प्यारा लगेगा एंड लंबे बालों पर इस तरीके से छोटी से आप क्लिप को ढक दोगे तो ये तो लंबे बालों पे हो गया, बट आपके बाल अगर ईयर लेंथ ही हैं तो आपके पास तो ये चोटी नहीं बन पाएगी। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ऑनलाइन आपको इस तरीके की आर्टिफिशियल चोटियाँ मिल जाती हैं हेयर बैंड टाइप की, जो कि काफ़ी प्यारी लगती हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो, या फिर हेयर बैंड भी जो चौड़ी वाली हेयर बैंड आती है वो लगा सकते हो। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए जो फर्स्ट वाली चोटी होती थी वो मैंने खोली नहीं थी, यहाँ पर इसको खोल के मैं कॉम कर ले रही हूँ। अब आपको क्या करना है, साइड से मांग निकालनी है, साइड से मांग निकाल के इसको फ्रंट के हेयर को इस तरीके से क्लिप से सिक्योर कर देंगे। अब सारे हाफ हेयर को, क्राउन एरिया तक के हेयर को कॉम करेंगे और एक पफ बनाएंगे। तो वीडियो देखते जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छे से कॉम कर लेंगे। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल वगैरह हो रहा है, तो आप हेयर फॉल के लिए काफ़ी चीज़ें, घरेलू चीज़ें ट्राई कर सकते हो, या फिर आप कंडीशनर अप्लाई कर लो कोई अच्छा सा। मैंने अभी न्यूट्री ग्लो का कंडीशनर मंगाया है तो उसको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बाल सॉफ्ट एंड शाइनिंग रहेंगे। हेयर फॉल तो नहीं रुकता है उसके, बट जैसे बाल आपके बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज दिखते हैं वो कंट्रोल करेगा। एंड हेयर स्पा कर सकते हो, हेयर स्पा अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर पे दही, कंडीशनर, विटामिन ई की गोलियाँ मिक्स करके उससे अपना हेयर स्पा कर सकते हो। हेयर स्पा कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है और बहुत जल्दी न्यू लेके आऊँगी। अब आपको फ्रंट के हेयर को इस तरीके से लेना है, एक कॉम यहाँ पे मैं यूपिन लगा दे रही हूँ दो, जिससे कि हमारी लाइनिंग जो बने वो प्रॉपर तरीके से बन जाए। अब इस तरीके से चौड़े दांतों वाली कॉम लेनी है और इस तरीके से इसको फैलाते हुए बैक साइड में लेके जाएंगे और फ्रंट से थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे इसको। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे सेटिंग स्प्रे लगा के भी ये लाइनिंग बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं कॉम को निकाल दे रही हूँ एंड बॉबी क्लिप से इसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी। और फ्रंट से क्या करना है आपको, इस तरीके से मैं सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ यहाँ पे और अच्छे से बालों पे लगाएंगे सेटिंग स्प्रे को और ये जो क्लिप्स है उसको निकाल देंगे एंड फ्रंट में इस तरीके से लाइनिंग बना देंगे बालों में। ओके, तो प्रॉपर तरीके से हमारी लाइनिंग यहाँ पे बन गई है बालों में, देख सकते हो आप। फिर से सेटिंग स्प्रे में लगा लूँगी एंड थोड़ा नीचे की तरफ लेके आऊँगी जिससे कि हमको हमारे बालों में एक साइड मांग का लुक आ जाए। फ्रंट से आपको अगर इस तरीके से रखना है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींच लोगे ताकि ईजिली आपका फ्रंट का जो हेयर है वो फ्लैट ना हो। ओके, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, बैक साइड में आपको जो आपने क्लिप से बॉबी क्लिप्स लगाया था उसके बाद जो हेयर बचे थे उनको लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे और इसमें एक चोटी बना लेंगे। जब पूरी चोटी गूंथ लोगे उसके बाद से आपको एक साइड से इस तरीके से खींचना है, बस एक साइड से, दोनों साइड से नहीं खींचना है। और इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाएंगे एंड यहाँ पे एक फ्लावर का लुक आ जाएगा आपके बालों में और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है, प्यारा लगता है, ये छोटे बालों में भी बन जाएगा। तो इस तरीके का लुक दिखेगा, साइड से हमारा एकदम फ्लैट है तो इसके लिए हम लोग सेटिंग स्प्रे यहाँ पे लगाएंगे और इसमें भी छोटी छोटी सी लाइन बना देंगे बालों में। आजकल मैसी का ट्रेंड चला हुआ है तो थोड़ा सा बालों में मैसीनेस रहता है तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। इस तरीके से हमने कर लिया है तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। सेकेंड हेयर स्टाइल का फाइनल लुक आप देख सकते हो। तो आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट लगा, ये बैक से बहुत प्यारा लग रहा है। आप सिंपल हेयर स्टाइल भी रख रहे हो तो बैक में इस तरीके से फ्लावर बना के अपने हेयर स्टाइल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। होप कि आपको दोनों हेयर स्टाइल अच्छे लगे हो। दोनों में से कौन सा ज़्यादा हेयर स्टाइल लगा, दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।